हेलो फ्रेंड्स, ये हमने आज जूम का H1N हैंडी रिकॉर्डर मंगाया है और ये डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस अभी चल रहा है 7,990 रुपये। ये काफ़ी यूजफुल रिकॉर्डर है और इससे आप अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए साफ आवाज़ रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके फीचर्स में ये सब कुछ लिस्टेड है, पैकेज इंक्लूडिंग। पैकेज में और क्या क्या साथ आता है? H1N1 हैंडी रिकॉर्डर तो आता ही है, साथ में 2 AAA बैटरीज भी आती हैं, क्विक गाइड भी आपको मिलेगी। इसके फीचर्स की लिस्ट इस प्रकार है, ये XY माइक डिजाइन कैप्चर परफेक्ट स्टूडियो इमेज, रिकॉर्ड्स ऑडियो अप टू 24 बिट 96 kHz वेव फॉर्मेट, 1.25 इंच माइक्रो मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले भी इसमें दिया हुआ है, 1 टच बटन कंट्रोल भी है, लिमिटर एंड ऑटो लेवल स्विचेज भी दिए हुए हैं। इंक्लूड्स स्टेट टोन जनरेटर फॉर DSLR वीडियोज। और अगला फीचर इसका है USB माइक्रोफोन फंक्शन फॉर PC, Mac और iOS डिवाइसेस, डिजाइन टू हैंडल अप टू 120 dB SPL, रिकॉर्ड्स ऑन माइक्रो SDHC कार्ड्स अप टू 32 GB, रिकॉर्डिंग आवर्स इसमें 10 आवर्स ऑपरेशन ऑन 2x AAA बैटरीज। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 बैटरी इसमें लगाई जाएं तो यह 10 घंटे तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता है। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं इसमें और साथ में क्या क्या आता है। इस डब्बे को साइड में रख देते हैं। यह है रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग बटन है, ऑप्शंस हैं, ठीक है, प्ले बटन है, मूव फॉरवर्ड बटन है, मूव बैकवर्ड बटन भी है, ये लाइन इन है। अगर इसमें बाहर से कनेक्शन देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। ये माउंट स्क्रू बोल्ट, इसे स्टैंड पर भी कसा जा सकता है इसकी मदद से। सेटिंग है, होल्ड है, DC भी, यहाँ से इसे आउटलेट भी लिया जा सकता है PC वगैरह से जोड़ने के लिए। और ये रही इनकी वॉल्यूम राइज और वॉल्यूम डाउन की बटन, ये लाउन आउट का यहाँ पे फीचर दे रखा है। और LCD डिस्प्ले भी इसमें है ताकि फंक्शनों को इसमें आराम से देखा जा सके। इसमें 2 माइक दिए हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, एक यहाँ पर है। इसका नंबर है, काफी अच्छा है, ये हैंडी है, काफी लाइट वेट भी है और एक आम वीडियो मेकर अथवा साउंड रिकॉर्डर के लिए काफी यूजफुल है। चलिए बहरहाल इसे अब साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या आता है। और तो इसमें खास कुछ है नहीं। इस डिब्बे में भी देखें, ये इसकी यूजर मैनुअल है, कैसे यूज करना है इसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आसानी से सीखा ना जा सके। खैर इसे रख देते हैं वापस। इसे एक साइड रखते हैं
और इसे खोल के देखते हैं कि इसमें बैटरी किस प्रकार लगेगी। ये दो बैटरी इसमें लगी हुई है, इसे चालू करके भी देख ही लेते हैं। ये ऑन हो गया है, ये इसकी डिस्प्ले है, एसडी कार्ड एक्सेस। इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, और ऑडियो लॉगआउट लिमिटर ऑटो लेवल। रिकॉर्डर स्विच ऑफ भी हो गया, इसी की मदद से ये ऑन होता है और ऑफ भी इसी की मदद से होता है। तो फ्रेंड्स, ये जूम का रिकॉर्डर काफ़ी यूजफुल है। अगर आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट अथवा अमेजन से मंगा सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट है और बड़ी काम की चीज़ है, चाहे वीडियो मेकिंग हो या वॉइस रिकॉर्डिंग। बहुत ही हाई क्वालिटी की वॉइस इसमें रिकॉर्डिंग होगी और इन पर्पसेस के लिए ठीक है ये रिकॉर्डर।